फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस फ्रॉम पुणे। यस दोस्तों, रियर वाइपर हमने इस कार में इंस्टॉल किया है, प्रॉपर नेक्सा का ग्लास रिप्लेसमेंट के साथ किया है, विद द वाटर ऑप्शन के साथ है। एक वाटर का भी आपको लुक दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हमने प्रॉपरली किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं वाइपर कहीं भी स्टॉप करूं, वो प्रॉपरली अपना पूरा सर्कल घूम के प्रॉपर रोटेशन करके अपने जगह पे आके रुकेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं वाइपर लगा रहा हूं, मैंने स्टॉप यहाँ पे किया तो यहीं पे आके स्टॉप हो जाए, वैसा कंसेप्ट नहीं है। जो प्रॉपर हमारे स्विचेस आते हैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने किस तरीके से प्रॉपरली स्पेसिफिकली जो स्टेयरिंग के बाजू में प्रॉपर वाइपर के वॉशर के स्विचेस आते हैं वो भी हमने प्रॉपर चेंज किए हुए, उसका भी आप एक फिटमेंट क्वालिटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ कहना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बेस मॉडल लीजिए, हेडलैम्प्स अपग्रेड करवा दीजिए, टॉप मॉडल की हेडलैम्प्स मत लगाइए। ये डेल्टा प्लस मॉडल थी, सर की रिक्वायरमेंट थी मुझे ऑटोमेटिक कार ही चाहिए है, तो ऑटोमेटिक कार सिर्फ और सिर्फ डेल्टा प्लस में आती है, ट्रायो हेडलैम्प्स लग के आती है, लाइट की रोशनी काफ़ी कम थी, सर को विदाउट एनी कटिंग प्रॉपरली ब्रैकेट टू ब्रैकेट फिटमेंट चाहिए था, हमने इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई है। फॉग लाइट्स का प्रोविजन फ्रॉन्क्स में नहीं दिया हुआ है, इसके लिए बोलता हूँ बेस मॉडल लीजिए, और आपको फॉग लैंप का काम भी आपका हेडलैम्प करेगा क्योंकि बेस मॉडल में प्रोजेक्टर आता है। चाहे आप कैरेंस का टॉप मॉडल ले लीजिए, चाहे क्रेटा का टॉप मॉडल ले लीजिए, चाहे आप ब्रेजा का टॉप मॉडल ले लीजिए, DRL वाली हेडलैम्प्स बहुत अच्छी दिखती है। ये ट्रायो हेडलैम्प्स भी लुक वाइज बहुत अच्छी है, बट इसका फोकस क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो उसी के साथ हमने इस कार में मैक्सलिंग की ML921 मिनी प्रोजेक्टर्स लगाए विद द अपर एंड डिपर ऑप्शन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एक आपको ऑफ मोड दिखाना चाहूँगा किस तरीके से एक डार्क मोड है, वो आप चेक कर सकते हो। दिस इज ओनली द फॉग लैम्प। यस दोस्तों, ये फॉग लैम्प का काम करने के लिए हमने इस कार में लगाया है। दिस इज अ मिनी प्रोजेक्टर विद द अपर एंड डिपर ऑप्शन के साथ है। जो अपर ऑप्शन है वो हेडलैम्प के साथ वर्क करेगा। एक हेडलैम्प और अपर ऑप्शन आपके सामने स्टार्ट करके दिखाना चाहूंगा। दिस इज योर अपर मोड एंड दिस इज योर डिपर मोड। अपर, डिपर, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, फोकस क्लैरिटी आप चेक कर सकते हो। वंस अगेन कहना चाहूंगा जिनकी भी डेल्टा प्लस मॉडल है आप ये फॉग लैम्प जरूर लगाइए। एक चीज कहना चाहूंगा, ब्रैकेट टू ब्रैकेट फिटमेंट जरूर है, बट जो ट्रायो हेडलैम्प्स, ट्रायो DRLs का लुक है वो लुक को ये फॉग लैम्प्स खराब कर रही है। अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो फोकस क्लैरिटी नहीं है, बट ये फॉग लैम्प्स जब कार सामने से आती है DRL और ट्रायो हेडलैम्प से लुक नहीं आता है। इसी के लिए कहना चाहूंगा अगर बेस मॉडल ले सकते हो तो बेस मॉडल सजेशन दूंगा, चाहे सिग्मा लीजिए चाहे डेल्टा लीजिए, प्रोजेक्टर लग के आता है। अगर प्रोजेक्टर वाली फॉग लैम्प आप प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प में बल्ब अपग्रेड करते हो तो इससे काफ़ी अच्छी रोशनी मिलती है। सामने ब्रेजा की ZXi मॉडल खड़ी है, DRL लग के आती है, इसका भी फोकस क्लैरिटी नहीं है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यही सजेशन दूंगा जो भी सोच रहे फ्रॉन्क्स लेने का, और अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन डेल्टा प्लस, या तो आप अल्फा ले सकते हैं या तो जेटा ले सकते हैं, तो उसमें तो आपकी हेडलैम्प्स यही लग के आएगी, आपके पास कोई सोल्यूशन कोई ऑप्शन नहीं है। इंटीरियर से स्टार्ट करना चाहूँगा। इस कार में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ORVMs भी जो लग के आते हैं कंपनी की तरफ से, उसमें भी हमने प्रॉपरली मॉड्यूलेटर लगाया हुआ है। लॉक एंड अनलॉक रिमोट पे नहीं होते, आप अंदर से कर सकते हो। चाहे आप सिग्मा लीजिए, डेल्टा प्लस लीजिए, अल्फा लीजिए, आप बेस मॉडल छोड़ के सिग्मा छोड़ के कोई भी मॉडल लेते हैं फ्रॉन्क्स का, मिरर्स लग के आते हैं, बट इंटरनली आप प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हो। लॉक अनलॉक पे आपके मिरर्स ओपन क्लोज नहीं होते, वो भी किट हमने इस कार में लगाई है। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपरली अगर लॉक अनलॉक करना चाहेंगे तो जैसे ही मैं दरवाज़ा क्लोज करके लॉक करता हूँ आप चेक कर सकते हो, मिरर्स ऑटोमेटिकली क्लोज। व्हेन यू अनलॉक, मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन। वंस अगेन लॉक एंड अनलॉक, आप चेक कर सकते हो किस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रही है। इसके अलावा इस कार में हमने अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स लगाए विद द 5 ईयर्स वारंटी के साथ। नेक्सा जेन्युइन हमने आर्मरेस्ट लगाया है। रियर AC भी इस कार की एक्टिवेट की है। फ्रेम लग के आती है प्लेयर की, वो भी मैट ब्लैक के कंसेप्ट में आती है, वो भी हमने पियानो ब्लैक की है। 7 इंच की प्लेयर चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो पैनल का फ्रेम है वो चेंज किया है। AC वेंट भी हमने अल्फा के लगाए हुए, साथ ही में इनर हैंडल्स भी हमने क्रोमियम के कंसेप्ट में किया है। जेन्युइन इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी लगाई है हमने कार्बन फाइबर के कॉन्सेप्ट में। सेट ऑफ 7 पीसेस की आती है, 4 ऑन द पावर विंडोज, 2 ऑन योर AC वेंट्स, और 7 पीस जो है वो प्लेयर के नीचे आता है। स्टेयरिंग रैप भी हमने इस कार में लगाया है, साथ ही में जेन्युइन स्कफ प्लेट भी हमने इस कार में इंस्टॉल की है। कार के क्लाइंट भी हमारे साथ है, स्पेसिफिकली रियर AC और रियर वाइपर के लिए हमारे पास आए थे। सर का फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स प्रतीक, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, काम कैसा लगा, प्राइजेस कैसे थे, सुबह से आप आए काम देख रहे थे, मेरी टीम कैसी थी,
जो मैं वीडियोस में दिखाता हूँ वो असलियत में रियल में आपको मिला नहीं मिला, एट लास्ट पूना जा रहे हो, सेटिस्फाइड हो नहीं हो, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए। सो प्रतीक, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द वर्क व्हाट यू गाइस हैव डन, और टाइम पे कंप्लीट हुआ, और मेरा जो मेन प्रायोरिटी थी वो सेंट्रल एसी और रियर वाइपर था और वो कंप्लीट हो गया। वी डिड एडिशनल वर्क्स आल्सो व्हिच वाज नॉट इन प्लान, बट द वे यू गाइस वर्क्ड आई डिसाइडेड टू गेट दोस थिंग्स आल्सो गेट डन बाय यू, सो काम काफ़ी अच्छा हुआ है। फॉग लैम्प्स वॉज अगेन वन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर मी कि लाइट्स अच्छे हों, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो गया अभी। सो आई एम रियली हैप्पी विद द वर्क व्हाट यू गाइस हैव डन, सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। जस्ट अ क्वेरी अबाउट द व्यूअर्स, व्हाट दे बेसिकली आस्क मी इज लाइक रियर एसी वी आर व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग, तो वो सॉकेट टू सॉकेट हो रहा है क्या? ओके, सो रियर एसी सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग, ऑल जेन्युइन मारुति पार्ट्स, सो वो इशू भी नहीं है, काफ़ी अच्छा फिटिंग हुआ है और एयर फ्लो इज वेरी अमेजिंग, so I'm really happy with the work with AC or rear wiper, so really thank you very much sir, I hope you are satisfied with the work. मैं ये आशा करता हूँ आगे जाके कुछ भी changes हमको करने हैं तो आप ज़रूर मुझे recommend करोगे। Thank you so much sir once again for trusting us. So friends, मेरी shop located है वाशी नवी मुंबई sector 70 next to Golden Punjab Hotel। ये video किस तरीके से लगा comment करके ज़रूर बताना। Thank you so much friends, thank you so much sir, thank you।